वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय कविता ससुदेवा। टुडे आई विल आस्क यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर एग्जाम। लेट्स बिगिन। यस, क्वेश्चन नंबर वन। इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर रुपीज 1800 एट प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यस, आंसर इज रुपीज 1500। हाउ यू विल कैलकुलेट? फार्मूला टू फाइंड सी पी इज इक्वल टू एस पी इन टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यू विल पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला एंड फाइंड आउट सी पी इज इक्वल टू 1500। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 7:3 टू मेक इट 2:3। यस, आंसर इज 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम विल रुपीज 100 बिकम्स रुपीज 200 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज 10 ईयर्स, सेकेंड इज 20 ईयर्स, थर्ड इज 5 ईयर्स एंड फोर्थ इज 25 ईयर्स। यस, करेक्ट आंसर इज 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनिका टेक्स 15 डेज टू कम्प्लीट अ टास्क एंड सुमन टेक्स 10 डेज टू कम्प्लीट द सेम टास्क। इफ दे बोथ वर्क टूगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कम्प्लीट द टास्क। यस, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो कितना टाइम लेंगे उसी सेम टास्क को कम्प्लीट करने में। यस, आंसर इज दे बोथ विल टेक 6 days टू कम्प्लीट दैट टास्क। हाउ यू विल कैलकुलेट? आंसर इज डिस्क्रिप्शन इज गिवन हेयर। ओके, नेक्स्ट इज इफ 12,000 बिकम्स 12,480 आफ्टर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस, आंसर इज 2%। How you will calculate? Amount is equal to principal plus simple interest. Simple interest is equal to amount minus principal. Now simple interest becomes 480. Now you will put the formula values in the formula of simple interest. P into R into T upon 100 is equal to 480. From this you will calculate X is equal to 2%. That is rate is equal to 2%. Now next question is if 75% of a number is added to 75, then the result is the number itself. Find the number. Yes, answer is 300. How you will calculate? 75% of a number, let number be x. So 75% of x, 75 upon 100 multiplied by x plus 75 is equal to x. From this equation you will get x is equal to 300. Next question is if the cost price of 11 articles is equal to selling price of 10 articles, then find the profit or loss percent. Yes, answer is 10%. How you will calculate? Let CP of one article is equal to rupees 1. Now CP of 11 articles is equal to rupees 11. 10 आर्टिकल्स की सी पी कितनी होगी? 10 रुपीज़। और अगर हम एस पी कैलकुलेट करें, क्या गिवन है क्वेश्चन में? 10 आर्टिकल्स की एस पी किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस के किसके? 11 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। नाउ 11 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है 11 रुपीज़, तो 10 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 11 रुपीज़। ओके, नाउ देयर विल बी प्रॉफिट 11 माइनस 10। नाउ SP of 10 articles minus CP of 10 articles is equal to profit, that is rupees 1. Profit percent is equal to profit upon CP multiplied by 100. Profit is 1. 1 upon CP, that is 10 into 100, you will get 10%. Yes, next question is if both the height and base of a triangle are halved, then its area becomes dash times the original area. आपको क्या करना है? हाइट और बेस को हाफ करना है, तो एरिया जो आपका न्यू एरिया आएगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल एरिया के? यस, आंसर इज
वन अपॉन फोर टाइम्स द ओरिजिनल एरिया. हाउ यू विल कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल हाइट, हमने हाइट ले ली 4 सेंटीमीटर, लेट आर बेस बी 6 सेंटीमीटर. नाउ एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया. अगर हम इनको हाफ करेंगे, हाइट को 2 और बेस को 3 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यू एरिया हाफ इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये नया एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने टाइम्स होगा 12 के, ये होगा 1/4 times of 12, मीन्स 1/4 × 12 = 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 6400 मीटर, देन फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. यस, वेरी इजी क्वेश्चन. फर्स्ट ऑप्शन इज 640 मीटर, सेकेंड इज 320 मीटर, थर्ड इज 80 मीटर एंड फोर्थ इज 4 मीटर. यस, आंसर इज 320 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वायर फॉर्म विल बी. ये आउटर स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज पी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी इज एस, एंड मिड पॉइंट ऑफ डी सी इज आर, एंड मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज क्यू. तो अब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, न्यू स्क्वायर बनेगा पी क्यू आर एस, तो न्यू स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स हम आउटर स्क्वायर का एरिया में से साइड कैलकुलेट करेंगे, साइड इज 6, तो ए डी क्या है आपकी 6, तो एस इज मिड पॉइंट, तो ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या होगा, आउटर स्क्वायर में से हम इन 4 ट्रायंगल्स का एरिया माइनस करेंगे. कौन कौन सी 4 ट्रायंगल्स, ए पी एस, एस डी आर, क्यू आर सी एंड पी बी क्यू. ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 3, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 18. ओके, यस, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर टू मोर एंड मोर पीपल.